फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने टारगेट विद आलोक चैनल पे। और पॉलीगन्स हम लोग कर रहे थे पिछले लाइव सेशन में, जब हमने आपको मेंसुरेशन की उस क्लास में आपको बहुभुज के बारे में बताया था, तो आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। कल किसी कारणवश क्लासेस नहीं हो पाई थी आपकी, तो आपको प्रैक्टिस नहीं कराई जा सकी। तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुभुज पे आधारित उस प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे जो कि लगातार प्रश्न एग्जाम में आपके आए हुए हैं। मैंने ऐसे ही प्रश्नों का कुछ कलेक्शन आपके सामने यहाँ पे लाने को सोचा है, और हम आपको आज बोर्ड पे इन सारे प्रश्नों को हल कराएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को तो इम्प्रूव करेंगे ही, साथ साथ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे अगर आप लोग किसी भी आगामी परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं। तो आपको मैं इसकी बात की सियोरिटी दे रहा हूँ कि ऐसा ही प्रश्न या तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा अगर आप जो भी परीक्षा को फेस करने जा रहे हैं। तो बहुभुज का पूरा कॉन्सेप्ट आज ही के इन 10 क्वेश्चन से आपका कवर हो जाएगा। आप एक एक करके हर प्रश्नों को हल करने का सोचिए। मैं पूरी गंभीरता के साथ समय लेकर के आपको हर प्रश्नों पे आपको कमांड के साथ सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप लोग पूरी तरह से सपोर्ट करके हर प्रश्न को पढ़िए, समझिए, सीखिए, और किसी भी तरह के आप सुझाव को आप कमेंट में जरूर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पॉलीगन पर ही आधारित है, मतलब बहुभुज पर आधारित है, याद रखिएगा। मतलब बहुभुज का हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो बहुभुज के बारे में आपने पढ़ा था कि एक ऐसा फिगर है जो किसी भी भुजा का हो सकता है, जिसमें कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, और जितनी भुजाएं होंगी उसी के आधार पर उसके कोण होंगे, उसके विकर्ण होंगे। हम यहाँ पे कुछ भुजाओं में संबंध, कोणों में संबंध, और ऐसे तमाम तरह की कंडीशंस के ऊपर यहाँ पे प्रश्नों का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आपको कोणों के योग का मान पता होता है, आपको भुजाओं की संख्या के बारे में संबंध हमने बताया था। अच्छा, एक चीज और मैंने आज इम्प्रूव किया है कि आपको हर प्रश्न को हम हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लेकर आए। बहुत सारे छात्रों की डिमांड आती है, सर हम लोग इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे के लिए हम लोग अब यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हम बायलैंग्वेज लेकर चलेंगे चीजों को, आपको अगर हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, हिंदी में प्रश्न दिया जा रहा है। देखिए, मैथ में समस्या नहीं होती, आपको पढ़ाया ऐसा जाता है कि आपको दोनों माध्यम से समझने की क्षमता हो जाती है, लेकिन जब प्रश्नों को फेस करना होता है तो हमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में देखना पड़ता है। तो आज की इस क्लास में हमने हिंदी अंग्रेजी दोनों में रखने का प्रयास किया है। आप लोगों को उम्मीद करूंगा कि चीजें समझ में आएगी। पहला प्रश्न देखिए, हिंदी में पढ़ रहा हूँ। एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री है। समबहुभुज आप सबको पता होता है कि एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं। प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया अंग्रेजी में, अगर इसको हम लोग पढ़ें कि ईच इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मतलब यहाँ पे समबहुभुज मैंने इसके बारे में बताया था, नियमित बहुभुज बताया था, इज 144 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। तो प्रश्न को जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि ईच इंटीरियर एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने एक चीज आपको बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मैंने सम बताया था मतलब योग बताया था। योग का फार्मूला मैंने एक आप लोगों को पढ़ाया था कि 2n-4 into 90 डिग्री हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक बहुभुज के कोणों का योग। अब इसी 2n-4 को अगर हम लोग कुछ ऐसा कर देते कि यहाँ पे अगर हम दो सबसे कॉमन कर लेते, दो कॉमन करते थे ऑटोमेटिकली n-2 into 90 हो जाता, या आप इसको लिख सकते थे कि n-2 into 180 डिग्री। आप सभी कोणों का योग 180 डिग्री को n-2 से गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हैं। जब योग आता है, अगर वह बहुभुज आपका सम होता है मतलब रेगुलर होता है, ऐसे स्थिति में आपको यहाँ पे प्रत्येक कोण निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक कोण निकालने के लिए आपको रूल पहले पढ़ाया था कि इस 2n-4 into 90 को हम यहाँ पे कोणों से, मतलब यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए प्रत्येक अंतःकोण दिया है तो कोण ज्ञात करने के लिए हम कोण सामने रख देते हैं, मतलब क्योंकि आपको प्रत्येक कोण का मान यहाँ पे 2n-4 into 90 upon हमने n तरीके से बताया था। अब यहाँ पे अगर 144 रख करके हम सॉल्व करें तो कोण से हम भुजाओं की संख्या तो आराम से ज्ञात ही कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऐसे कर दीजिए, 144 कर दीजिए, इसको तो मैंने आपको बता दिया कि n-2 into 180 डिग्री कर दीजिए अपान, आपके सामने देखिए कोण का मान, सर यहाँ पे 144 है और यहाँ पे आप अगर n कर दीजिए मतलब भुजा कर दीजिए। अब आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 144 n हो जाएगा, इधर अगर गुणा करेंगे तो 180 n होगा माइनस आपका 360 होगा। अगर हम इसको इधर बुलाएं, इसको इधर करें, तो जैसे ही इधर लेके जाएंगे तो ये आपका 36 n हो जाएगा, क्योंकि आप जब 144 को घटाएंगे 180 से तो 36 n होगा, सामने आपके 360 होगा, अर्थात n का मान कोई भी देखकर कोई बता सकता है कि यहाँ पे 10 आएगा और इस 10 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा लॉन्ग बन रहा है। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक कोण दिया गया था और प्रत्येक कोण से हमने भुजाओं की संख्या ज्ञात करी है, प्रत्येक कोण से मैंने भुजाओं की संख्या ज्ञात करी है, बेसिक फार्मूला लगाया है, किसी भी तरह का स्ट्रांग या अप्रोच, सिंपल अप्रोच हमने फॉलो नहीं किया है। हम इसको चाहते तो और नॉर्मल बेसिस पे भी करने की क्षमता रखते हैं और उस तरह से भी आज प्रश्न का उत्तर आप लोग आराम से दे सकते हैं, और कैसे दे सकते हैं समझने का प्रयास करिएगा।
एक चीज मैंने आपको बताया था, याद करिएगा, कोई समबहुभुज होगा या किसी भी तरह का बहुभुज होगा तो उसके प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आपको पता होगा कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसमें कोई डाउट समस्या नहीं है। साथ साथ मैंने एक चीज और बताया था कि प्रत्येक आंतरिक प्लस प्रत्येक बाह्य कोण का मान 180 डिग्री होता है। यह भी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक आंतरिक प्लस प्रत्येक बाह्य कोण का मान 180 डिग्री होता है। अगर मुझे आंतरिक पता है तो मैं बाह्य ज्ञात कर सकता हूं, मतलब मुझे इंटरनल अगर पता है, इंटीरियर पता है, तो हम एक्सटीरियर भी आराम से फाइंड कर सकते हैं। 144 अगर मुझे इंटरनल पता है तो मुझे अगर बाह्य निकालना है तो बाह्य निकालने के लिए बड़े आसानी के साथ आप 180 से बस 144 को घटा दीजिए, 180 से आप 144 को घटा दीजिए तो आपको 36 डिग्री आपको प्रत्येक बाह्य कोण पता चल जाएगा, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण आपका 36 डिग्री हो गया। ये आपको बता सकते हैं आप लोग, कभी भी देखिए, कभी भी किसी रेगुलर पॉलीगन या किसी भी तरह के पॉलीगन की बात किया जाए, अगर प्रत्येक आंतरिक दिया है तो प्रत्येक बाह्य ज्ञात करने के लिए आप 180 से इसको घटा दीजिए तो आपको इसका प्रत्येक बाह्य कोण पता चल जाएगा। दूसरी चीज, जब प्रत्येक बाह्य कोण पता चल गया तो बाह्य कोणों का योग 360 हमेशा और हमेशा होता है। आप 360, आपको रूल भी लिखाया था मैंने भुजाओं की संख्या n के लिए, अगर प्रत्येक बाह्य कोण पता है तो प्रत्येक बाह्य से आप 360 को डिवाइड कर दीजिए तो भुजाओं की संख्या n हो जाएगी और n इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। n इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, मतलब 10 भुजाएं उस बहुभुज में थी जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 144 डिग्री है। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि 10 भुजाएं उस बहुभुज में थी। मतलब हमने फिर से क्या किया, मैं एक बार बता दूं, प्रत्येक आंतरिक दिया था, आंतरिक को मैंने 180 से घटाया तो प्रत्येक बाह्य आया, बस प्रत्येक बाह्य से 360 को भाग दे दीजिए, भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर आपका 10 आया है। पूरी उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आज की इस क्लास का देखिएगा आप लोग। दूसरे प्रश्न में भी देखिए, आपको दूसरी कंडीशन दिया है, कहा गया किसी सम बहुभुज, फिर से एक रेगुलर पॉलीगन की बात की जा रही है, देखिए लिखा होगा कि प्रत्येक बाह्य तथा आंतरिक कोणों का अनुपात, प्रत्येक बाह्य तथा आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है, सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी भुजाएं थी मुझे फाइंड करना है। इंग्लिश में पढ़ो तो रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 2:3। एक्सटीरियर पहले है, ध्यान रखना इस बात को, और इंटीरियर बाद में है। प्रत्येक एक्सटीरियर और प्रत्येक इंटीरियर के कोणों का जो अनुपात है वो आपका 2:3 है, ये लिखा है साफ साफ। और आपको बताया गया था कि प्रत्येक इंटीरियर प्लस प्रत्येक एक्सटीरियर आपके सामने 180 के बराबर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हमें एक बाह्य और एक आंतरिक पता होगा, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं किसी भी सम बहुभुज या बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक और बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। अगर वो कोण 2:3 में दिए गए हैं तो 2+3 = 5 होता है, तो 5 का मान आप 180 से तुलना कर सकते हैं। अगर 5 का मान 180 है, 1 का मान आपको पता होगा कि 36 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 का मान अगर 36 हो गया तो आप बाह्य कोणों का कोण का मान ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भुजाओं की संख्या, जैसे पिछले प्रश्न में हमने बाह्य कोण निकाल करके 360 को उससे विभाजित किया था, ऐसे अभी भी हम लोग यहाँ पे बाह्य कोण अगर निकालेंगे, जब 1 का मान 36 हुआ है तो 2 का मान आपका 72 हो जाएगा। 2 का मान अगर 72 हो गया तो हम लोग यहाँ पे भुजाओं की संख्या n ज्ञात करने के लिए 360 को 72 से डिवाइड कर देंगे। 360 को अगर 72 से डिवाइड किया तो आप देखिए 12×72 होता है, 12×36 30/6, मतलब 5 आ जाएगा, अर्थात भुजाओं की संख्या आपकी 5 और डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैं एक बार फिर से इस प्रश्न को समझा देता हूँ, आप लोग देखिएगा। इसमें मैंने एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशियो देखा, मतलब बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अनुपात देखा, 2:3 है। नियमानुसार हम सबको पता होता है कि बाह्य कोण और आंतरिक कोणों का प्रत्येक का योग 180 अंश के बराबर है, अर्थात आप 2 और 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 180 में, तो 2 का मान हमारे पास, मतलब 1 का मान 36 आ रहा है क्योंकि जुड़कर 180 होगा। 1 का मान अगर 36 होगा तो एक्सटीरियर का मान अगर निकालेंगे तो 2 यहाँ पे अनुपातिक रेशियो का टर्म है, तो 2 = 72 हो गया, क्योंकि बाह्य से हम लोग भुजाओं की संख्या आराम से ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात 360 को जब 72 से डिवाइड करेंगे तब हम लोग को यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 5 प्राप्त हो जाएगी, और 5 इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, करेक्ट है। यह प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। हम तीसरे प्रश्न पे आज की इस क्लास में बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न नोट करते हैं। देखिए क्या हमारे सामने तीसरा प्रश्न दिया गया है, इस क्वेश्चन को नोटिस करिएगा। यहां पे भी आपके सामने एक क्वेश्चन है, यदि एक सम बहुभुज, फिर से एक रेगुलर पॉलीगन है,
कि सभी अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है, सभी अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है। अगर किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप अंग्रेजी में अगर पढ़ेंगे सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स एंड रेगुलर पॉलीगन इन द 40 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। पॉलीगन्स में भुजाओं की संख्या या नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। सभी अंतःकोणों के लिए हमने रूल आपको 2n-4 × 90 लिखवाया था, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आप उसको n-2 × 180 भी कर सकते हैं, जहां पे n भुजाओं की संख्या होती है। n-2 × 180 करेंगे तो आपके सामने 1440 लिख करके दिया गया, क्योंकि अंतःकोणों का योग कितना है 1440 दिया है, मतलब इंटीरियर एंगल्स का सम 144 है। अब 100 ने खत्म कर दीजिए, 18 × 8 = 144 होता है, n-2 आपके सामने 8 हो चुका है, अर्थात n का मान आपका 10 हो जाएगा। उसमें भुजाओं की संख्या आपकी 10 हो गई। भुजाओं की संख्या ओरल देख करके हम बता सकते हैं भुजाओं की संख्या यहाँ पे 10 होगी, जो कि पहला ऑप्शन होगा और इसी प्रश्न का तीसरा, मतलब तीसरे प्रश्न का पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर माना जाएगा। एक बार प्रश्न को फिर देखिएगा। सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 1440 था। मैंने इंटीरियर एंगल्स का जो सम का फार्मूला होता है, मतलब योग का फार्मूला होता है, उसको अप्लाई किया, n-2 × 180 सामने लिखा है 1440, n का मान n-2 180 से डिवाइड कर दीजिए तो 8, तो n का मान आपके सामने 10 आ रहा है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। ये कन्फर्म आपके पास तीसरे का पहला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। उम्मीद है कि प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ पे चौथे प्रश्न पे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे देखिए। तो चौथा प्रश्न भी आप देखिए, थोड़ा सा चीजें बढ़ती चली जा रही है, हर प्रश्न के आधार पर चीजें थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होती चली जा रही है, जरूरी भी है, ऐसी आवश्यकता होती है। आप देखेंगे तो इस प्रश्न को नोटिस करिए, तो आपके सामने जो प्रश्न दिया गया है, हमसे कहा गया है यदि किसी यन भुजाओं वाले समबहुभुज समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण उसके प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कहा गया ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, n साइडेड मतलब n भुजाओं वाले समबहुभुज इज डबल दुगुना ऑफ इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। कितना आसान सा प्रश्न है। इसने कहा गया प्रत्येक अंतःकोण मतलब प्रत्येक इंटीरियर एंगल अपने बाह्य कोण का दुगुना है, प्रत्येक अंतःकोण अपने बाह्य कोण का दूना है, तो हमसे भुजाओं की संख्या पता करने को बोला गया है। तो आप बड़े आसानी के साथ यहाँ पे कर सकते हैं, इसको पढ़िएगा, प्रत्येक अंतःकोण उसके प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है। तो अंतःकोण अगर आप दो मानेंगे, देखिए यहाँ पे इंटीरियर लिख रहे हैं और यहाँ पे एक्सटीरियर लिख रहे हैं, अब आप देखिए अनुपात एक बनकर सामने आएगा। अंतःकोण अगर आप दो मानेंगे तो बाह्य कोण एक होगा, तो अनुपात 2:1 का बनेगा। अगर अंतःकोण मैंने 2 माना है तो बाह्य कोण 1 बनेगा और इनका योग कितना होना चाहिए बताइए, 180, क्योंकि हम लोग इस चीज को बार बार पढ़ते आए हैं कि प्रत्येक अंतः और बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब आपने देखा कि प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है, तो आपका बाह्य कोण अगर 1 होगा तो अंतःकोण कितना होगा, 2 होगा, मतलब मैं लिख सकता हूं 3 = 180। अगर 3 = 180 है तो 1 का मान 60 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 1 ही आपका प्रत्येक बाह्य कोण है, तो प्रत्येक बाह्य कोण हमारा कितना बन के आ रहा है, प्रत्येक बाह्य कोण 60 बनकर आ रहा है। कितना बनकर आ रहा है, 60 बनकर आ रहा है। जब प्रत्येक बाह्य कोण 60 है तो आपसे भुजाओं की संख्या ज्ञात करने में आपको कोई समस्या नहीं, आप 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 आ जाएगा, भुजाओं की संख्या यहाँ पे 6 आ गया। 6 करेक्ट इस प्रश्न का उत्तर है, और सही इस प्रश्न का उत्तर हमारे सामने कितना आ गया है, 6 आ गया, 6 सही माना जाएगा। फिर से एक बार पढ़िएगा, हमसे बोला गया तो प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण का दूना है, तो अंतः को मैंने 2 लिया है तो बाह्य को मुझे 1 लेना पड़ेगा, दोनों को मैंने 180 में डिस्ट्रीब्यूट किया। और क्यों कर रहे हैं आपको इस चीज को, हम बार बार बताते आ रहे हैं कि प्रत्येक अंतः और बाह्य कोण का योग 180 अंश के बराबर होता है। अनुपात में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो 1 का मान 60 आया, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण 60 हो गया। जब प्रत्येक बाह्य कोण पता चल जाता है किसी रेगुलर पॉलीगन का, तो हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 को 60 से, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण से डिवाइड कर देते हैं, तो भुजाओं की संख्या हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लिए हैं, जो कि 6 आएगा और 6 इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। पूरी उम्मीद और आशा है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोग इसको भी सीख गए होंगे, इसलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। पांचवा प्रश्न आज की इस क्लास का आप लोग देखिएगा और समझिएगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने आपके बोर्ड पर है, आपका क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए उसी तरह का एक प्रश्न फिर से बन के आ रहा हमारे सामने, किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग
बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 5 गुना है। फिर समझिएगा, सभी आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 5 गुना है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पे पढ़ते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 5 टाइम्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। देखिए बढ़िया प्रश्न है, कहा गया देखिए यहां पे भुजाओं और कोणों के उस तरह के संबंध को हम पढ़ रहे हैं, जब इसने हमसे कहा कि सभी आंतरिक कोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का 5 गुना है। सभी आंतरिक कोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का 5 गुना है। ऐसी स्थिति में हमसे भुजाओं की संख्या ज्ञात करने को कहा गया है। आपको पता है कि सभी आंतरिक कोणों का योग, हम बार बार इस फार्मूले को पढ़ते आ रहे हैं, ए होता है। सभी आंतरिक कोणों का योग ए है, सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 × 180 होता है, तो सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। लेकिन इसने बोला कि ये जो सभी आंतरिक कोणों का योग है ये इस सभी बाह्य कोणों के योग का 5 गुना है। जब ये 5 गुना ऑलरेडी है तो आप इसमें 5 से गुना कर दीजिए तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? फिर से देखिएगा, मैंने कहा सभी आंतरिक कोणों का योग लिखा, सभी बाह्य कोणों के योग लिखा का 5 गुना है। अगर हम बताइए आपसे 5 गुना ज्यादा धन रखते हैं तो हमको आपको अगर बराबर होना है तो जाहिर सी बात है आप में 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 से मैंने इसमें गुणा कर दिया। अब अगर जब मैंने काटा तो डायरेक्टली 2 बार गया, तो आप देख रहे हैं n-2 आपके सामने 10 हो जाएगा और n का मान आपके सामने 12 आ जाएगा। तो 12 इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, 12 इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है ए। आप लोग नोटिस कर सकते थे, देखिए प्रश्न देखने में बड़ा भले कंफ्यूजिंग है लेकिन है बड़ा आसान। सभी आंतरिक कोणों का योग मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगंस, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगंस n-2 × 180 इज 5 टाइम्स। एक्चुअली दिस इज 5 टाइम्स, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 360/5। हमें 360 को 5 से गुणा करना पड़ेगा और तब दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसे स्थिति में जब काटा पीटा तो n का मान हमारे सामने 12 आ रहा है, जो कि भुजाओं की संख्या हो जाएगी। और आपका इस 5वें प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन, कितनी भुजाएं, 12 भुजाएं हो गई। तो 12 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे आप लोग, और इसके समझने के बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आने से पहले मैं फिर से बार बार हम लोग इस बात की सूचना आपको देते आते हैं कि जो भी नए लोग जुड़ते हैं हमसे, तो आप लोग हमारे संस्थान हमारे चैनल के माध्यम चैनल से जुड़ने के लिए, किसी भी तरह से आप लोग चैनल से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए, या अपने किसी भी तरह की कैरिकुलम जो आप लोग पढ़ रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं के लिए कोई डिस्कशन करने के लिए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करने के लिए आपके नंबर आप अपने स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर पे। तो 6ठा नंबर देखिए हमारे सामने फिर से एक है, और 6ठा नंबर बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। क्या दिया है, हमसे कहा कि 8 भुजाओं वाले, समझिएगा आप लोग, 8 भुजाएं वाले किसी बहुभुज, इसने सम बहुभुज की बात नहीं करी है, सम होगा तो सभी मान समान होते हैं, 8 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के एक आंतरिक कोण 100 डिग्री है मतलब 100 डिग्री है और सभी अन्य कोण समान है, प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। मेरी बात समझेंगे, जैसे मैंने उस दिन भी सारे एक प्रश्न इस तरह का कराया था कि अगर 8 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है उसका एक कोण हमने बता दिया कि 100 डिग्री है, बाकी सारे कोण सब समान है। ऐसी स्थिति में उसने हमसे पूछा कि जो समान कोण सभी है सातों, उनमें उनके सभी के मान क्या है। अब आपको देखिए 8 भुजाओं की बात अगर करनी, अच्छा इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, वन एंगल ऑफ एन 8-साइडेड पॉलीगन, एक एंगल एक कोण किसी भी 8 भुजाओं वाले बहुभुज का 100 डिग्री है, एंड ईच अदर रिमेन एंगल्स आर इक्वल, और बाकी जितने भी एंगल्स हैं सबके सब समान हैं, बराबर हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स, मतलब प्रत्येक का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए पढ़ते हैं। अब अगर बताइए कि ये 8 भुजाओं वाला बहुभुज है, इसमें सभी कोणों का योग 8-2 × 180 होगा, इसमें कोई शंका नहीं होगी, सभी कोणों का योग 8-2 × 180 होगा। अब आप आइए थोड़ा इधर से, आपने कहा कि एक कोण तो 100 है, एक कोण कितना है 100 है, बाकी 7 के साथ तो समान है, तो 7 को हम 7n कर दे रहे हैं या 7x कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है n को, अगर आप कंफ्यूज हो आप x लिख दीजिए। अब यहां पे देखिएगा, थोड़ा समझिएगा सब लोग, 7, 8 में से 2 निकला तो 6, 18 छक्के, देखिए 8 में से 2 निकला तो 6, अब 18 छक्के 108, 108 जीरो, मतलब 1080 हो जाएगा अगर हम इसका गुणा करते हैं तो।
आप समझ सकते होंगे मेरी बात को, यहां पे मेरे पास 6 आएगा, 0, 6, 8, 48, 6 के 6, 4, 10, 1080 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये 100 प्लस 7x के बराबर होगा। तो 7x का मान आपको पता है कि 100 घटेगा तो 980 आ जाएगा। अगर हम 100 ले जाकर के 1080 में से निकालते हैं तो 980 आएगा, अर्थात x का मान हम करेंगे तो इस 980 को हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 1 के 7, 7 4 28 0, 140 डिग्री आपके पास यहां पे प्रत्येक कोण जो बचे हैं 100 वो आपके आ जाएंगे, जो कि 140 डिग्री होंगे। 140 डिग्री इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगर आप लोग यहां पे देख रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, मतलब जो सभी कोण हमारे पास 100 के अलावा जो बचे हैं उन सभी कोणों का मान 140 डिग्री हो जाएगा, ये कंफर्म है। तो आप यहां पे नोट कर सकते हैं, फिर से समझ भी सकते हैं। इसने कहा था कि 8 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है, उसका एक कोण 100 डिग्री है, बाकी सभी के सभी कोण आपके समान थे, तो हमने कहा चलो एक कोण हमने 100 ले लिया, बाकी सातों कोणों को 7 गुणे x कर दिया, और सभी 8 भुजाओं वाले किसी भी बहुभुज का जो हमारे पास समापीच इंटीरियर होता है, समाप इंटीरियर एंगल्स होता है, वो 8 माइनस 2 गुणे 180 किया तो 1080 आया, 100 घटाया तो आपका 980 हुआ, 980 को 7 से भाग दिया तो 140 डिग्री यहां पे इस प्रश्न का सही उत्तर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। सातवें नंबर पे हम आते हैं, तो सातवां नंबर देखिए लगभग इसी तरह का एक प्रश्न है, आप इसको पढ़िएगा, इसको पढ़ करके इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देने जा रहे हैं। प्रश्न क्या है देखिए, कहा गया कि किसी 7 भुजाओं वाले बहुभुज के 3 कोणों का मान 132 डिग्री। आपकी बार 7 भुजाओं वाला बहुभुज है जिसमें से 3 कोण 132 हैं, बाकी जो अन्य 4 कोण हैं वो सबके सब समान हैं, जितने भी अन्य 4 कोण बचे हैं वो सबके सब समान हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक कोण की माप हमसे पूछा गया है कि बाकी जितने भी कोण बचे उन सबका मान क्या होगा। तो चलिए, 7 भुजाओं वाला अगर बहुभुज है, अंग्रेजी में देखिएगा, 3 एंगल्स ऑफ अ 7 साइडेड पॉलीगन इज 132 डिग्री ईच, प्रत्येक 3 जो कोण है वो 132 डिग्री है, अन्य जितने भी एंड रिमेनिंग द 4 एंगल्स आर इक्वल, जो बचे 4 कोण है वो समान है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इक्वल एंगल, जो समान कोण चारों हैं उनका प्रत्येक का मान क्या होगा। समझिए, क्योंकि 7 भुजाओं वाला है, 7 साइडेड है, तो आप लिखेंगे 7 माइनस 2 इंटू 180, ये हो जाएगा इस कोणों का योग, उस बहुभुज के सभी कोणों का योग 7 माइनस 2 गुणे 180 होगा। 3 कोण 132 है तो 3 गुणे 132 कर दीजिए, प्लस 4 गुणे x कर दीजिए, क्योंकि सभी 4 कोण समान हैं, जब इसका गुणा करेंगे तो 396 होगा, प्लस 4x होगा बराबर 18 पंचे 90 900 हो जाएगा, 18 पंचे 900 हो जाएगा। तो 4x बराबर, जैसे ही 9 से हम 396 को घटाएंगे, 396 को घटाएंगे तो 10 से 6 4 होता है, 9 से 9 0 होता है, और आपके सामने यहां पे 8 से 3 5 504 हो जाएगा। तो 4x का मान 504 है, तो x का मान आपका 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 1 के 4 हुआ, 1 0 4 2 9 8 हुआ, 4 संग 24 हुआ, तो 126 डिग्री इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा, जो कि बी ऑप्शन है। 126 डिग्री इस प्रश्न का सही उत्तर है, मतलब प्रत्येक कोणों का मान 126 डिग्री है, जो कि चारों समान थे और उन चारों में से प्रत्येक का मान 126। एक बार फिर बातों को समझिएगा, हमने कहा था कि 7 साइडेड रेगुलर या नॉन रेगुलर कोई भी मतलब पॉलीगन था, नॉन रेगुलर है फिलहाल, जिसमें से 3 कोण 132 थे तो 3 गुणे 132 कर दिया, अन्य 4 कोण समान थे तो 4 गुणे x कर दिया, तो कोणों का जो योग होगा वो 7 माइनस 2 इंटू 180 होगा, मतलब 900 होगा। 900 को हमने 396 से माइनस किया तो 504 आया, 50 को 4 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 126 आ रहा है। 124 डिग्री इस समय यहां पे प्रत्येक कोणों का मान आपका हो जाएगा, इस करेक्ट उत्तर है बी ऑप्शन आपका 126, आप इसको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे आज की श्रृंखला के आठवें प्रश्न पे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न नोट करिएगा, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न ये आया है किसी एग्जाम में लगभग, आप देखिएगा यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था, हमसे कहा गया सम खटभुज मतलब रेगुलर हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल सम को पता करना है, मतलब विकर्णों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। किसी भी, चाहे खटभुज हो, चाहे सम हो, चाहे जैसा हो, अगर हमें किसी भी तरह का, जैसे खटभुज आप समझ सकते हैं खटभुज क्या है, कुछ इस प्रकार से होता है। अब आप कहेंगे कि अगर विकर्णों की संख्या, देखिए खटभुज है 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, अगर हम विकर्ण को जोड़ना चाहें, विकर्ण को निकालना चाहें, तो विकर्ण कैसे बनती है, आपको बताया था कि विपरीत भुजाओं को जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, तो इसको इससे भी जोड़ेंगे इसको इससे जोड़ेंगे, इसको भी इससे जोड़ेंगे, इसको भी इससे जोड़ेंगे, इसको भी इससे जोड़ेंगे, इसको, मतलब इतने सारे जोड़ हैं तो आपको काउंट करने में ही समस्या है। आप मान लीजिए इन केस बना भी लेते हैं तो गिन नहीं सकते। अभी देखो गिनना कितना टफ है, जैसे मुझे 3 इधर से निकलता दिख रहा है, 3 इधर से निकलता दिख रहा है, 3 इधर से निकलता दिख रहा है,
तो 3 3 6 3 9 लगभग ऐसे कुछ आ रहा है। तो विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते, इसके लिए फार्मूला मैंने पढ़ाया था, n इंटू n माइनस 3 अपान 2 नंबर ऑफ डायगोनल्स। आप सिंपल सा करिए, जो भी जितने भाई खड़भुज हमको पता है हेक्सागन में 6 भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं हैं, तो आप लिखिए 6 × 6 − 3/2, तो आपका 2 × 3 = 6 हो गया, 3 × 6 = 3 निकला 3 × 3 = 9, तो 9 यहां पे डायगोनल होंगे इस खड्भुज में। तो मतलब किसी भी खड्भुज में विकर्णों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, जो करेक्ट उत्तर होगा आपके इस प्रश्न का। तो सी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा कि खड्भुज अगर हमारा चाहे रेगुलर बन रहा हो चाहे जैसे बन रहा हो उसमें विकर्णों की संख्या हमेशा और हमेशा 9 आएगी। 9 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप इस फार्मूले पर रख करके इस मान को ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या और डाउट नहीं होगा। 8 के बाद हम 9वें प्रश्न पे आ रहे हैं। अब 9वां प्रश्न देखिए थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है आया हुआ प्रश्न और इसको भी समझना जरूरी है। समझ कर चलिए कैसे किया जाएगा। देखिए इसने कहा दो समबाहुभुज में भुजाओं की जो संख्या में अनुपात है वो 5:4 का है। भुजाओं की संख्या में 5:4 का है, अगर पहले में 5 भुजाएं हैं तो दूसरे में 4 भुजाएं हैं। दोनों बहुभुज के अंतःकोणों का में अंतर, अंतःकोण मतलब प्रत्येक अंतः ले सकते हैं आप लोग, तो अंतःकोणों, क्योंकि इसमें सम नहीं बोला है, योग नहीं बोला है, अंतर यहां पे हमारे पास 6 डिग्री दिया है, अंतर यहां पे 6 डिग्री दिया है। दोनों बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, दोनों बहुभुजों में भुजाओं की संख्या हमको ज्ञात करनी है। अब आप ऐसे देखिएगा अंग्रेजी में, रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 5:4। दोनों बहुभुजों के भुजाओं की संख्या का जो अनुपात है 5:4 है। द डिफरेंस बिटवीन दियर इंटीरियर एंगल इज 6 डिग्री, उनके आंतरिक कोणों का जो डिफरेंस है मतलब अंतर है वो 6 डिग्री है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बोथ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स दोनों भुजाओं, दोनों में हमें भुजाओं की संख्या पता करनी है और मुझे ये करके आपको दिखाना है। तो आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात किया जा सकता है। सिंपल सा टर्म है, समझदारी से समझिएगा तो आपको चीजें समझ में आएगी। अगर कभी ऐसा अनुपात दिया है तो आप इसको भुजाएं मान सकते हैं 5n, इसको भुजाएं मान सकते हैं 4n, इसको 5n मान सकते हैं, इसको 4n मान सकते हैं। आंतरिक कोणों का योग रूल क्या होता है बताइए, n माइनस 2 × 180 होता है। n जहां पे भुजाएं होती हैं तो हम यहां भी तो लिख सकते हैं ना कि 5n − 2 × 180, 5n − 2 × 180 बटा 5n कर दीजिए क्योंकि प्रत्येक कोणों की बात की जा रही है, माइनस 4n − 2 × 180 डिवाइडेड बाई 4n कर दीजिए, तो आपके सामने यहां पे हो जाएगा 6। आपको समझ में आ गया होगा जो हम बता रहे हैं यहां पे। अब आप यहां पे 180 बटा n कॉमन कर सकते हैं, 180 बटा n, 180 यहां भी 180 यहां पे है, तो 180 नीचे दोनों में n है, कॉमन कर लिया तो बचेगा 5n − 2/5 बचेगा, −4n − 2/4 बचा, सामने आपके सामने 6 है। अब आप इसको काट भी सकते हैं, 6 30 हो जाएगा, मतलब 30/n हो जाएगा, तो n ऊपर चला जाएगा 30 नीचे चला आएगा, तो हम इसको ऐसे कुछ लिख भी सकते हैं। पहले यहां थोड़ा सोल्यूशन कर लीजिए, आप इसको 20 बना दीजिए, 20 बना देंगे तो यहां पे 4 से गुणा होगा, 4 × 5 = 20n हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। अब यहां 5 से गुणा करेंगे तो −20n होगा और प्लस, क्योंकि बीच में माइनस है तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 20n से खत्म भी हो जाएगा, 20n से खत्म भी हो जाएगा, तो आपका 10 में से 8 निकलकर 2 बचेगा। और आप इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए यहां पे 2/20 = n/30। अब आप कैसे कर रहे हैं इसको समझ सकते होंगे, मेरी बात देखिएगा, यहां पे 10 में से 8 निकला भैया 2 होता है, नीचे हमारे सामने 20 है, अच्छा जो 30/n था ना, तो n उधर चला गया 30 नीचे चला गया। अब आप काट दीजिए जो संभव है, 2 × 20 होता है और 30/10 मतलब n का मान आपका 3 हो जाएगा। n का मान अगर 3 हो गया तो भुजाएं मेरे पास 15 हो गई और भुजाएं मेरे पास 12 हो गई, तो 15 भुजा और 12 भुजा के दो बहुभुज थे आपके पास जिनके सामने स्थिति हमारे सामने आ रही है। यहां पे 15 भुजा और 12 भुजा आपका सही उत्तर रहा होगा, 15 भुजा और 12 भुजा इस प्रश्न का सही उत्तर यहां पे माना गया होगा, इसको आप लोग समझ सकते हैं। आप यहां पे देखे होंगे तो जैसे इसमें ऐसे देखा हमने कि हम देख रहे थे कि जो हमारे पास, क्योंकि बहुभुज था तो बहुभुज में अगर हम लोग यहां पे कोणों की बात कर रहे थे तो कोण हम लोग यहां पे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसा हमारे पास कोण का ज्ञात करने का नियम होता है, कोणों का योग बटा भुजाओं की संख्या, यहां भी कोणों का योग बटा भुजाओं की संख्या बराबर आपके सामने डिफरेंस दोनों का कितना था, 6 था, और 6 के हिसाब से हम लोगों ने जब कैलकुलेशन किया तो देखिए मैंने 180/n बाहर कर दिया और यहां 5n − 2/5 हो गया, 4n − 2/4 हो गया, यहां पे दोनों का एलसीएम लिया, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके हम
लोग उत्तर बता दे रहे हैं। और इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हमारे सामने कितना आ रहा है, n का मान जब 3 हो जा रहा है तो हम यहाँ पे भुजाओं की संख्या 15 और 12 ज्ञात कर सकते हैं, 15 और 12 ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर एक चीज और आप लोग कर सकते हैं, अगर आप चाहते तो ऑप्शन से भी मैच करा सकते। देखिए 15 और 12 तो उत्तर आपका आ जा रहा है, चाहते तो ऑप्शन से भी मैच करा सकते थे। ऑप्शन में जैसे अगर हम यहाँ पे किसी एक को लेकर के यहाँ पे चलें तो उसके हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे मैच करा सकते थे। तो फिलहाल इसको इस तरह से करिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल फॉलो करना पड़ेगा, करके आप लोग इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बता सकते हैं। आप इसको एक बार रीड करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर सारे प्रश्न हम लोग इस तरह से करने नहीं होंगे, एकाध प्रश्न इस तरह का बनता है, तो आप लोग इस प्रश्न को इस तरह से फेस करके उसका उत्तर दे सकते हैं। 15 और 12 इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे सामने है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न पे आज की श्रृंखला के। तो 10वां प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, इसको देखिएगा, आपके सामने इस बोर्ड पे इस प्रश्न को नोटिस करिएगा। तो यहां भी लगभग इसी तरह का एक प्रश्न हमारे सामने आया है कि दो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या 1:2 है, कितनी है, 1:2 है, और उनके अंतःकोणों में जो अनुपात है 2:3 का है, उनके अंतःकोणों में अनुपात 2:3 का है, दोनों बहुभुज में भुजाओं की संख्या, दोनों बहुभुज में मुझे भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। बड़ा आसान सा कांसेप्ट है, इसको भी ऐसे समझिएगा, अगर हम इसको n मानेंगे तो इसको हमें 2n मानना पड़ेगा, इसको n मानेंगे तो इसको 2n मानना पड़ेगा। बस सिंपल सा देखिए जो तरीका होता है योग का, और हम लोग पहले देखिए कोणों में अनुपात, अंतःकोणों में जो अनुपात दिया है वो 2:3 का है। अंतःकोणों का योग क्या होता है बताइए, n माइनस 2:180 होता है। अगर हम प्रत्येक अंतः की बात करेंगे तो n से और डिवाइड कर देंगे तो यही सिस्टम होता है। हम लोग यहां लिखने जा रहे हैं n माइनस 2:180 अपान n, इसको भी डिवाइड किससे करेंगे बताइए, अनुपात कर रहे हैं हम लोग किसके साथ, यहाँ पे अनुपात हम कर रहे हैं 2n माइनस 2। अब यहाँ पे क्यों हो गया 2n, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि n की जगह 2n है, माइनस 2:180 अपान हम लोग यहाँ 2n कर देंगे। सामने आपका अनुपात 2:3 या 2:3 है, आप अनुपात को नोटिस कर देखिए, 180 से कटा, n से कटा। अब आप इसको लिख सकते हैं n माइनस टू। अच्छा एक चीज और बता दें, यहाँ 2 इन दोनों को काट देगा तो केवल n माइनस 1 बचेगा, तो आप n माइनस टू अपान n माइनस वन इज इक्वल टू आप 2:3 लिख सकते हैं। n माइनस टू अपान n माइनस वन इज इक्वल टू आप कितना लिख सकते हैं, 2:3 लिख सकते हैं। तब गुणा करेंगे 3n हो जाएगा, -6 = 2n - 2 हो जाएगा। आप इधर ले जाइए तो n हो गया, आप उसको उधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो n का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अर्थात भुजाएं यहाँ पे 4 हुई और 8 हुई, तो 4 और 8 भुजाओं वाले बहुभुज थे, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक बार फिर समझिएगा कैसे किया, आपको बोला है इंग्लिश में देखिएगा, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द टू रेगुलर पॉलीगन इज 1:2। दोनों के बहुभुज की भुजाओं की जो संख्या में अनुपात है वो कितना है, 1:2 है। दोनों के इंटीरियर एंगल्स का जो रेशियो था, जो आंतरिक कोणों का अनुपात था, 1:2:3 था। नंबर ऑफ साइड्स हमको ज्ञात करनी थी, पता करनी थी। हमने क्या किया बताइए, हमने यहाँ पे जो भुजाएं की संख्या का जो अनुपात दिया होता है उनके आधार पे इसको n माना, तो इसको हमने 2n मान लिया। अब आगे देखते जाइएगा, n माना तो दूसरे को 2n माना। अब आपको देखिए सम पता होता है n माइनस 2:180 से, अगर हम उसको भुजाओं की संख्या से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात हो जाते हैं, और उन आंतरिक कोणों का जो अनुपात दिया था 2:3 दिया था, तो मैंने क्या लिखा, इसको निभुजा मान के चल रहे हैं, n माइनस 2:180 अपान n कर दिया, यहाँ 2n - 2 अपान 2n * 180 कर दिया, सामने 2:3 लिख दिया। देखिए 180 से गया, n से गया, और एक चीज देखिए, दो इनमें से अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ केवल n माइनस 1 बचता और नीचे 2 था तो 2 भी कट गया, तो आपका ऊपर n माइनस 2 बचा जबकि इसका n माइनस 1 है, सामने 2:3 लिख सकते हैं, काट दिया, 3n - 6 = 2n - 2। तो आप अगर इसको इधर लाएं तो n बराबर आपका -6, उधर जाके +6 होगा तो आपका 4 हो जाएगा, अर्थात भुजाएं 4 और 8 हो जाएंगी। तो आपने इसको देखा और समझा, इसमें भी आप देख सकते हैं तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो 10 प्रश्न आज आपने किया बहुभुज पर आधारित। तो बहुभुज का लगभग सारा टॉपिक, जो लगभग सारा अप्रोच होता है, आप इन क्वेश्चन के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी तुरंत, कुछ चीजें आप हो सकता है जब आप पढ़ लें तो थोड़ी देर बाद रियलाइज करें तो समझ में आ जाएंगी। तो मतलब जरूरी यही होता है कि चीजें समझ में आ जाएं, कैसे आ जाएं, कितनी जल्दी आ जाएं, ये आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा और समझने पर डिपेंड करेगा। इसलिए इन प्रश्नों को फिर से एक बार रिवाइज करिएगा और पढ़िएगा, पढ़ करके बहुभुज का अपना कॉन्सेप्ट बहुत ही इंप्रूव करिएगा, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आपको नए सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।